हाय फ्रेंड्स, 5 साल की उम्र तक के वे छोटे बच्चे जो न तो सुन पाते और न ही बोल पाते, ऐसे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इन बच्चों का इलाज संभव है, लेकिन समय रहते समस्या पकड़ में आ जाए। दोस्तों, होता क्या है, कान के अंदर कोकुलर हड्डी होती है। बच्चे के जन्म के बाद अगर किसी कारणवश यह हड्डी क्षतिग्रस्त होती है, तो ऐसे में डॉक्टरों द्वारा इस हड्डी का ऑपरेशन होता है। और चूंकि, जैसा कि आप जानते हो, उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ कठोर होती जाती है, तो 5 साल के बाद इस हड्डी में डॉक्टर काट छाँट नहीं कर पाते और ऑपरेशन नहीं हो पाता। इस ऑपरेशन के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसको सुनने भी लगता है और बोलने भी लगता है। दोस्तों, यह ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, इसमें 6 लाख रुपये तक का खर्च आता है और सरकार ऐसा ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क कराती है। तो अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा मामला है, तो आप दिव्यांग विभाग में संपर्क करें, या लास्ट में मैं अपना नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। और चूंकि अब बात आती है कि कैसे पता चले कि बच्चे की कोकुलर हड्डी खराब है। दोस्तों, दो कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को न तो सुन पाता न बोल पाता। एक तो उसकी दिमाग की नसें क्षतिग्रस्त होती है, दूसरा उसकी कान की हड्डी क्षतिग्रस्त होती है। ऐसे में यह कोकुलर इम्प्लांट तभी होता है जब कान की हड्डी खराब हो, और इसके लिए जो कान के डॉक्टर होते हैं, ENT डॉक्टर, वही बता पाएंगे कि बच्चे की कान की हड्डी खराब है या नहीं। तो अगर डॉक्टर ऐसा बताते हैं, ENT के डॉक्टर, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या दिव्यांग विभाग में भी संपर्क करके इस ऑपरेशन की जानकारी ले सकते हैं। हमने अपने जनपद में बहुत सारे बच्चों का ऑपरेशन कराया और हाल फिलहाल में अभी दो बच्चों को ऑपरेशन कराया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, जनपद शामली से, बाबरी गांव से, लव कुमार नरेंद्र कश्यप का ये बच्चा है। इसका ऑपरेशन हुआ कानपुर हॉस्पिटल में। और इसी तरीके से नित्या तायल, कपिल तायल की बेटी है, ये रेल पार शामली से है, शामली शहर की, इसी का भी ऑपरेशन हुआ अभी हाल फिलहाल में। और ये आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं इस ऑपरेशन के संबंध में। और मेरा आपसे यही कहना है कि इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों के पास, सभी के पास भेजिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद बच्चे की समय पर मदद हो सके और बच्चा गुमनामी दुनिया से बाहर निकल सके। धन्यवाद।